नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहाँ रामनगर नगर क्षेत्र के सोनखर रोड में फार्म ट्रैक ट्रैक्टर एजेंसी का हुआ शुभारम्भ। जय माँ अम्बे फार्म ट्रैक ट्रैक्टर एजेंसी में मिलेगा किसानों को पूरी सुविधा। मुख्य अतिथि MLC श्री भीष्म सहनी, जय अम्बे ट्रैक्टर एजेंसी का संचालक राम बाबू प्रसाद, रामनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा व अंचलाधिकारी विनोद मिश्रा, प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वही सब आगत अतिथियों को अंग वस्त्र फूलमाला देकर सम्मानित किया गया। 5 ट्रैक्टर लेने वाले किसानों में अशोक यादव समेत अन्य को अंग वस्त्र फूलमाला व ट्रैक्टर का चाबी देकर सम्मानित किया गया। RBM बिहार व झारखंड सेल्स श्री विनोद कुमार यादव ने ट्रैक्टर के विशेषताओं के बारे में किसानों को अवगत कराया। वही जय अम्बे ट्रैक्टर के एजेंसी के संचालक श्री राम बाबू प्रसाद ने बताया कि मजबूत इंजन और माइलेज देने वाली फार्मट्रैक ट्रैक्टर किसानों के लिए फायदेमंद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में किसान सबसे अधिक फार्म ट्रैक ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। रामनगर जय माँ अम्बे एजेंसी में फाइनेंस, सर्विसिंग, पार्ट्स समेत पूरी सुविधा उपलब्ध है। MLC श्री भीष्म सहनी ने बताया कि मजबूती व आर्थिक माइलेज देने के कारण किसानों का पसंदीदा ट्रैक्टर फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बन गया है। राम बाबू प्रसाद द्वारा रामनगर में एजेंसी खुल जाने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। जय माँ अम्बे एजेंसी द्वारा सभी सुविधाओं के साथ साथ होम सर्विस पे भी बात चल रही है, ताकि किसानों को हो रहे परेशानियों से बचाया जा सके। वही मौके पर उपसभापति पति प्रतिनिधि सुजल सिन्हा, शेख औरंगजेब, तबरेज आलम, जावेद आलम, वासे खां, रघुवंश नारायण सिंह, बिहार सर्विस हेड मिथुन बनर्जी, नासिर, राहुल सिंह, अनुप कुमार, विजय कुमार, सत्यम सिंह समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर नगर परिषद में उपस्थित हूँ, और जो हमारे पीछे टीम देख रहे हैं, यह टीम एस्कॉर्ट कंपनी ट्रैक्टर की है, जो अभी रामनगर जो यह सनखा रोड है, यहाँ पर एक शोरूम खुला हुआ है इसी कंपनी की, और तमाम के तमाम जो हमारे कंपनी के एक्सपर्ट हैं और जुड़े हुए हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में फार्म ट्रैक ट्रैक्टर ही क्यों, आखिर में अदर ट्रैक्टर से की अपेक्षाकृत अलग कैसे है, और यह एक खास किसान के लिए किफायत के में। सर स्वागत है आपका हमारे सर न्यूज सर चैनल में। सर मैं चाहूँगा कि जो आपकी जो कंपनी का है सर है ट्रैक्टर, आखिर में किसान इसी को पसंद क्यों करे, क्या खास इसमें बात है? हमारा जो ट्रैक्टर है, आप पहले अपना नाम बताइए और पद। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, मैं इस यहाँ पे रीजनल बिजनेस मैनेजर हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि फार्म ट्रैक ट्रैक्टर किसान क्यों ले। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फार्म ट्रैक ट्रैक्टर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, विश्व स्तरीय तकनीक है इस ट्रैक्टर में, और हमने अपने प्रेजेंटेशन में ये भी बताया कि 63 देशों से ज़्यादा देशों में हम इसको निर्यात भी करते हैं। एक बार जोरदार ताली से बजाइए कंपनी के नाम पर, 63 कंट्रीज कम नहीं होते हैं। आज भारत भी एक वह देश बन गया है जो अपने यहाँ मेड इन इंडिया वस्तुओं को यहाँ से निर्यात भी करता है। हाँ तो सर, इसके बारे में और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आप इसको बताएं। हमारा विदेश में भी प्लांट है, हम इंडिया से भी भेजते हैं और विदेश में भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ से हम अन्य कंट्रीज़ को भेजते हैं, सप्लाई देते हैं फार्म ट्रैक ट्रैक्टर को। और इसमें किसानों के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बेस्ट फ्यूल इफ़िशियंट ट्रैक्टर है, सबसे कम तेल खाने वाला ट्रैक्टर है, जिससे किसान को दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले करीब करीब 35 से 40 रुपये घंटे तेल की बचत होगी। अगर वो 1000 घंटा चलाता है तो उसको 35 से 40 हज़ार रुपये की साल में बचत होगी ये किसान इसको लेने से, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर खरीदने से। दूसरा ये है कि इस ट्रैक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे T20 का गियर बॉक्स है, जो लोग कमर्शियल एप्लीकेशन करते हैं उनके लिए वरदान है। तीसरी बात ये है कि इस ट्रैक्टर में हम एक ई केयर बटन है। ई केयर बटन मतलब ये है कि हम लोग उसको बोलते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ये ट्रैक्टर में जो वो चिप लगा हुआ है उसका नाम है ई केयर बटन।
24/7 आप कंपनी से कनेक्ट रह सकता है हमारा किसान। मान लीजिए अगर उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया तो वो उसकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है कि ट्रैक्टर अभी कहाँ पे है, और उस किसान को बताया जा सकता है जिससे उसको किसी बड़ी परेशानी से बचाया जा सकता है। और लास्टली मैं चलते चलते जो शोरूम है इसके जो ऑनर है इनसे मैं बातचीत आपको कराऊंगा और पूरी आपको यह जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप यहाँ से ट्रैक्टर को परिचित कर सकते हैं। सर स्वागत है आपका सर, जो इस रामनगर की सरजमी पर किसानों के लिए आप सुनहरा ऑफर मौका लेकर आए कि लोग जो यहाँ के हैं किसान दूसरे शहर में न जाकर वो यहीं से अपना लाभ उठाए। सर मैं चाहूँगा सर आप अपना पहले परिचय दें फिर इसके बारे में आप बताएं। देखिए पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मीडिया कर्मी लोग को। मेरा नाम रामबाबू प्रसाद है, मैं ये रामनगर में पहला डीलर एजेंसी है और रामनगर के देहात क्षेत्र जो दून ओर है वो बहुत सीधा साधा भोला भाला किसान लोग हैं, जो कोई भी जाता है बहला देता है और किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर दे देता है और किसान इतना परेशान हो जाता है कि मत पूछिए। किसान जितना गरीब वहाँ का है, फार्म टेक एजेंसी लेने का मेरा मकसद था कि किसानों का किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं किसानों का हर हित मैं पूरा करूँगा। जिस तरह किसान को ट्रैक्टर ले लेता है सर्विस सेंटर नहीं मिलता है, उसको स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है, वो मार्केट में जाकर लोकल सामान किनता है, ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है। और एजेंसी में जब उस एजेंसी खुल गया तो उसका सर्विस सेंटर एजेंसी में है, तो उसका किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर इंजीनियर हैं, मानिए हमारे पास जो इंजीनियर हैं उनसे नहीं होगा तो बाहर से जो हमारे कंपनी के इंजीनियर वो भी आएंगे, जो टेक्निकल से बना है पूरा वही टेक्निकल से वो ट्रैक्टर को ठीक किया जाएगा। इसीलिए ट्रैक्टर का लाइफ भी लंबा चलेगा और किसानों का तेल का तो बचत है, हमारे सर बोले हैं कि तेल का तो इतना बचत है कि मत पूछिए। और टेलरिंग मैंने हमारे यहाँ देहात में और दोन में आप देखते हैं कि गन्ना का उत्पाद ज़्यादा होता है और टेलरिंग बहुत ज़्यादा होता है। टेलरिंग में हमारा ट्रैक्टर बहुत दमदार इसलिए है कि ट्रैक्टर जब हमारा टेलरिंग करेगा तो आगे से इंजन उठ जाता है, ये नहीं उठेगा। और दूसरा चीज़ है जो इसका इंजन है, इसका वायल हर वायल अलग अलग है, जिस तरह इंजन वायल है, गियर वायल है, मैंने जितना मैंने इसका वायल है सब अलग अलग है, जो चाहिएगा वहीं वायल गिरेगा, अदर ट्रैक्टर का एक ही बार में सारी वायल गिर जाता है, किसान का इसमें भी बचत है। अगर चाहे यदि इसको इस ट्रैक्टर के पार्ट को खोला जाए तो हमको लगता है काफ़ी एक पार्ट का या सबका अलग अलग वायल है ना, क्योंकि आपको जैसे कि बहुत सारे हैं ट्रैक्टर इंजन गियर अलग अलग हैं। तो चलिए तो ये थे राम बाबू जी जिनका एक शोरूम है किसान। तो चलिए हम जो यहाँ के हैं किसान इनसे बातचीत करेंगे, क्या यह ट्रैक्टर से इनको फायदा किस प्रकार है। सर क्या कहना चाहेंगे सर आखिर में, सर इस ट्रैक्टर को आप क्यों लिए और भी सारे हैं ट्रैक्टर सर। सबसे पहले मैं वेब इंडिया न्यूज के जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास सुपरविजन सर्वे अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। जितने भी श्रोतागण हैं सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि रामनगर में ये काफ़ी बहुप्रतिष्ठित मांग था कि यहाँ पे मतलब एक एजेंसी हो, मतलब किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री राम बाबू गुप्ता जी को, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हम किसानों के लिए। एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में सर्विस सेंटर, फाइनेंस की सुविधा, प्लस जो सर बता रहे हैं जो ऑपरेशन मैनेजर हैं फार्म ट्रैक के, कि इसमें मतलब
जो और जो ट्रैक्टर्स हैं उससे काफ़ी डिफरेंट इसमें टेक्नोलॉजी है, जैसे ई केयर है, फ्यूल इफिशियंट है और काफ़ी मजबूत और दमदार ट्रैक्टर है। मैं सारे किसान भाइयों की तरफ से श्री राम बाबू गुप्ता जी को और जो फार्म ट्रैक के जितने भी डिग्निटरीज यहाँ आए हैं सबको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हमारी इस मांग को उन्होंने पूरा किया है। और आगे मैं किसान भाइयों से आह्वान करता हूँ कि भारी संख्या में आएँ और ये जो सेवा का अवसर दें श्री राम बाबू गुप्ता जी को और इसका लाभ उठाऊँ। धन्यवाद। तो देखिए और यहाँ पर तमाम टीम है और मैं चाहूँगा कि जो भी, हाँ सर, जो हमारे सर्विस जो सर्विस डिपार्टमेंट के हैं सर, हम इनसे बातचीत करेंगे सर, क्या कहना सर चाहेंगे। खासकर सर्विस को लेकर काफ़ी चिंताएं बनी रहती है, जो हमारे किसान भाई हैं गलत जगह पर जाते हैं, पार्ट वगैरह हेर फेर होता है जिससे ट्रैक्टर की लाइफ तो बर्बाद होती ही है, साथ में किसान की आर्थिक भी स्थिति खराब हो जाती है उस ट्रैक्टर को लेकर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे? जैसे राम बाबू जी ने इसके बारे में ऑलरेडी जैसा इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर में सेल्स में तो और भी शोरूम आपको रामनगर में मिलेंगे, लेकिन एक कंप्लीट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एक ही छत के नीचे जहां पर आप ट्रैक्टर के सेल्स के साथ साथ सर्विस, पार्ट्स, ऑयल सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो ट्रैक्टर है खास करके रामनगर क्षेत्र में ज़्यादातर गन्ने में ट्रॉली में यूज होता है और सीजन काफ़ी कम दिनों का होता है, वैसे सीजन में अगर ट्रैक्टर ब्रेक डाउन हो जाए तो किसान को उस कम समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उसमें एक ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है कि बहुत उसी कम समय में मुझे ट्रैक्टर को ओके करके ऑन रोड करना है। तो उसके लिए हम लोग एज ए फार्म ट्रैक कंपनी के तौर पे क्या करते हैं कि जब भी कोई नया डीलरशिप हम अपॉइंट करते हैं तो उसके पहले उस एरिया में उस जो भी ट्रैक्टर हम लोग बेचने वाले हैं उसके अगेंस्ट में जो जो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एडवांस में फुलफिल कराते हैं। यहाँ पर जो सर्विस के टेक्नीशियंस हैं डीलरशिप के शोरूम के उद्घाटन के पहले ही वो हमारा सर्विस सेंटर बेंगलोर में है कंपनी का, वहाँ वो जा करके ट्रेनिंग ले करके आ चुके हैं, सर्टिफाइड हुए हैं, तब इनका शोरूम हम लोगों ने आगे प्रोसेस किया है। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोएक्टिवली कस्टमर के हित में रखते हुए काम करते हैं और साथ साथ यहाँ पर हमारा एक स्टॉक सफिशेंट स्टॉक हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो यहाँ ना मिले तो अर्थात यहाँ पर आप लोग ए टू जेड जो भी है सुविधाएं देने के प्रयास करेंगी एक किसान को। चलिए तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में, रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेव इंडिया न्यूज़ रामनगर।